लास्ट लेक्चर में हमने किंगडम एनिमेलिया स्टार्ट किया था और किंगडम एनिमेलिया भी हमने पहले डिस्कस किया था कि किस किस बेसिस पे हम किंगडम एनिमेलिया को हम क्लासिफाई करते हैं। तो फर्स्ट टू बेसिस दैट इज हैबिटेट एंड हैबिट जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। नाउ द नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को हम फोर कैटेगरी हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, दैट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। सेलुलर लेवल फर्स्ट थिंग एनिमल की हम बात कर रहे हैं, किंगडम एनिमेलिया। एनिमल्स मस्ट बी मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर को अकॉर्डिंग टू विटेकर क्लासिफिकेशन दे आर नॉट कंसिडर्ड एज एनिमल। हम उनको किंगडम एनिमेलिया में नहीं रखते। वी हैव टू सेपरेट किंगडम फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दैट इज मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। मोनेरा फॉर द प्रोकैरियोटिक लिविंग थिंग्स एंड प्रोटिस्टा फॉर द यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो एनिमल मस्ट बी मल्टीसेलुलर। अब मल्टीसेलुलर है तो फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है कि सेल्स को सेल्स का नंबर ज्यादा होगा, बट इन केस ऑफ सेलुलर लेवल सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट। सेल्स जो है वो लूजली अरेंज्ड होते हैं एंड दे नेवर फॉर्म टिश्यूज। ऑर्गेनाइज्ड वे में टिश्यूज की फॉर्मेशन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम दैट इज स्पॉन्जेस और पॉलीफेरा। पॉलीफेरा में क्या है, दे आर मल्टीसेलुलर नो डाउट, बट सेल्स सभी इंडिविजुअली अपना अपना काम कर रहे हैं और उसमें क्या है कि सेल्स मिलकर के ऑर्गेनाइज होकर टिश्यूज की फॉर्मेशन नहीं करते हैं। अगेन दे आर लूज सेल एग्रीगेट। लूज सेल एग्रीगेट का मतलब क्या हुआ, आप जैसे स्पॉन्जेस हैं, आप उनको ऐसे हाथ से निचोड़ेंगे सारे सेल्स उनके अलग अलग हो जाएंगे, फिर सेल्स को आप पास लेके आइए फिर से अपनी बॉडी की फॉर्मेशन कर देंगे। तो दैट इज लूज सेल एग्रीगेट, दैट इज सेलुलर लेवल। एग्जाम्पल स्पॉन्जेस, पॉलीफेरा या स्पॉन्जेस। नेक्स्ट दैट इज टिश्यू लेवल। हियर टिश्यू लेवल जैसे जैसे हम आगे चलेंगे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जाएगी। इन केस ऑफ टिश्यू लेवल सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म टिश्यू। सेल्स ऑर्गेनाइज होकर के टिश्यूज की फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल नेक्स्ट फाइलम दैट इज नाइडेरिया एंड टीनोफोरा। दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ, दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द नेक्स्ट दैट इज ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगेन कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज्यादा हो जाएगी। टिश्यूज ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन्स, इवन ऑर्गन जैसे अभी इसमें टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन। एग्जाम्पल प्लेटी हेलमेट्स और फ्लैग। नो डाउट कुछ प्लेटी हेलमेट्स में ऑर्गन सिस्टम भी होता है, बट बेसिकली दे आर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द नेक्स्ट लेवल दैट इज ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम अब कॉम्प्लेक्सिटीज और ज्यादा हो गई। प्लेटी हेलमेंथिस के बाद के जो फाइलम है फ्रॉम एस्केलमेंथिस टू कॉर्डेटा, हम सभी कॉर्डेटा में आते हैं। तो हियर व्हाट हैपन इज ऑर्गन ऑर्गेनाइज टू फॉर्म डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम विच आर स्पेसिफिक फॉर अ फिजियोलॉजिकल फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी सिस्टम is specialized for the process of respiration, reproductive system is meant for the reproduction, so this is organ system. So organ system, so organs form organ system a specific form as physiological function. Physiological functions, example आगे के सारे फाइल एस्केलमेंथिस से कॉर्डेटा, एस्केलमेंथिस टू कॉर्डेटा। Now, the next level of, next basis of classification,
दैट इज बॉडी प्लांट। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वी हैव बॉडी प्लांट, दैट इज फोर्थ बेसिस बॉडी प्लांट। लुक हियर, इन केस ऑफ बॉडी प्लांट अगेन वी हैव थ्री टाइप्स। फर्स्ट सेल एग्रीगेट बॉडी प्लांट। अगेन सेल्स आर लूजली अरेंज्ड विद रुडिमेंट्री डिविजन ऑफ लेवल। सेल्स जो आपस में अरेंज है, कंसिस्ट ऑफ जो पूरी की पूरी जो बॉडी है, बॉडी कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर्स ऑफ सेल्स हैविंग रुडिमेंट्री डिविजन ऑफ लेवल। तो सेल एग्रीगेट मीन्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर्स ऑफ सेल्स। Having rudimentary division of level. Now the next body plan, that is blind sac body plan. Blind sac body plan. These organisms have incomplete alimentary canal, means alimentary canal has only one opening for both ingestion and egestion of food. There is only single opening. For example, this is your incomplete alimentary canal. You can say incomplete alimentary canal. That is single opening for both ingestion and egestion. यानी बॉडी कुछ इस तरह की है, ब्लाइंड सैक बॉडी का। देयर इज ओनली वन ओपनिंग, एक ही ओपनिंग है। इसी ओपनिंग से फूड को अंदर भी लिया जाएगा और इसी ओपनिंग से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर भी निकाला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास नाइडेरियंस हैं, प्लेटियल मैंथिस हैं, इनमें क्या है, इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है दैट इज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। एग्जाम्पल नाइडेरिया, फ्लैटवर्म एंड प्लेटियल मैंथिस, फ्लैटवर्म a single opening. Now the next is tube within tube body plan. Tube within tube means what? Body consists of two tubes. One is formed by the body wall and another is formed by the alimentary canal or digestive tract. And digestive tract is inside the body wall. So bahar ek structure hogi, bahar ek tube like structure that is formed by the body wall, and another tube is formed inside the body wall by the digestive tract. And so body consists of two tube within tube body plans. What happened? Body consists of two tube, one formed by the body wall and another formed by digestive tract. Inside the body wall ke andar hoti, that's why inside the body wall, and hence it is called tube within tube body wall. फॉर एग्जाम्पल, अब आगे की जितने भी है एस्केल मेंथिस से लेकर के ऑडिटा तक, दे हैव ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। जैसे आप देखो
दिस इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लांट एंड एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल सेपरेट ओपनिंग फॉर बोथ दिस इज माउथ एंड दिस वन इज एनस एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट हैविंग सेपरेट ओपनिंग फॉर इंजेक्शन एंड इजेक्शन नाउ इन केस ऑफ ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लांट वी कैन डिवाइड इट इंटू टू टाइप्स दैट इज प्रोटोस्टोम्स एंड न्यूट्रोस्टोम्स प्रोटोस्टोम्स एंड न्यूट्रोस्टोम्स क्या मतलब बना इनका प्रोटोस्टोम्स और न्यूट्रोस्टोम्स की बात करते हैं प्रोटो प्रोटोस्टोम्स एंड न्यूट्रोस्टोम्स प्रोटो इंप्लाइज फर्स्ट प्रोटो का मतलब क्या है प्रोटो इंप्लाइज फर्स्ट एंड स्टोम्स मतलब माउथ न्यूट्रोन सेकेंड स्टोम माउथ मीन्स व्हाट हियर माउथ फॉर्मेशन फर्स्ट माउथ की जब बॉडी की जब डेवलपमेंट होती है तो सबसे पहले जो ओपनिंग बनेगी दैट इज माउथ एक्चुअली होता क्या है जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में वी हैव फर्स्ट अ जायगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट विच इज अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर नाउ जायगोट डिवाइड्स जायगोट में काफी सारे पहले डिवीजन हो गए इस तरह से काफी सारे सेल्स बनते हैं देन 8 टू 16 सेल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड विच इज कॉल्ड मॉरुला देन आफ्टर मॉरुला ब्लास्टुला इज फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला नेक्स्ट स्टेज इज गैस्ट्रुला बट बिफोर दैट एन ओपनिंग इज फॉर्म्ड What happened by the invagination? An opening is formed, and this opening is called blastopore. The opening and this opening is called blastopore. This opening is blastopore. If blastopore develops into mouth, blastopores ki agar mouth mein develop ho jata hai, then they are protostomes. And if blastopore develop into anus, then they are deuterostomes. तो इन केस ऑफ प्रोटोस्टोम्स वर्ड ब्लास्टोपोर्स डेवलप्स इनटू माउथ एंड हियर ब्लास्टोपोर्स डेवलप्स इनटू एनस इसके एग्जांपल में आप ले सकते हैं एनलिडा है मोलस्का है एस्कलमेंटिस है इन सब में क्या है ब्लास्टोपोर जो होता है वो आपको माउथ में डेवलप होता है बट इन केस ऑफ इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा ब्लास्टोपोर डेवलप इनटू एनस हम सब की बॉडी में वी आर कॉर्डेटा पहले एनस की फॉर्मेशन होती है तो एंड इकाइनोडर्मेटा में भी वही है इट मीन्स वी आर मोर इवोल्यूशनरी मोर क्लोज टू इकाइनोडर्मेट्स एज कंपेयर टू अदर इनवर्टिब्रेट्स तो दो बेसिस ऑफ डिवीजन हमने डिस्कस किया बॉडी प्लान एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन